रीसाइक्लिंग और रीयूज की पॉलिसी के तहत जिला में डाइकी एक्सिस इंडिया द्वारा घरेलू पानी ट्रीटमेंट प्लांट स्थानीय पपीहा पार्क में निशुल्क लगाया गया है। इस तरह की देश में यह पहली मशीन फतेहाबाद में लगाई गई है। यह मशीन जोकासू तकनीकी पर आधारित है, जो कि जापान में गंदे पानी को साफ करने की मुख्य तकनीक है। इस प्लांट का उपायुक्त डॉक्टर नर हरि सिंह बांगड़ ने आरंभ करवाकर पायलट प्रोजेक्ट शहरवासियों को सौंपा। उपायुक्त ने बताया कि यह प्लांट प्रतिदिन 10,000 लीटर शहर के गंदे पानी को साफ करेगा, जिससे बड़ी मात्रा में पानी की बचत होगी। योजना को लेकर क्या कहना है उपायुक्त का, आइए सुने। डाइकी एक्सिस जापानीज कंपनी ने हमारे फतेहाबाद के पपिया पार्क में 10,000 किलोलीटर का सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है और जिसमें सोलर पैनल के साथ भी उसको इक्विप किया है। इस टेक्नोलॉजी के तहत 10,000 लीटर जो सीवेज का पानी है उसको हर रोज़ शुद्ध करके और फिर से गार्डनिंग के लिए, शौचालयों के लिए और अन्य कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट लग गया है और बहुत ही कम समय में, 1 महीने के अंदर ही इसको इंस्टॉल किया गया है। इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है और इसकी कॉम्पैक्टनेस है, क्योंकि ये स्पेस नहीं लेता है, जगह ज़्यादा नहीं लेता है, सारा अंडरग्राउंड टैंक्स है इसमें, तो इसकी सारी इन खूबियों को देखते हुए और इस मशीनरी की एफिशिएंसी को देखते हुए मैं ये आशा करता हूँ कि इस तरह का प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ अभी लगा है और जो इसके अभी तक के रिजल्ट आए हैं वो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट हैं। तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए इसको आगे भी रेप्लिकेट किया जाना चाहिए और 10,000 लीटर इस तरह से छोटी छोटी जगह पर यदि हम लगा दें, देहात में हम लगा दें, शहर में हम छोटी छोटी कॉलोनीज में लगा दें, जहां सीवेज के पानी को ही ट्रीट करके और फिर उसी को ही दोबारा से रिसर्कुलेट कर दें और वो पानी, ताकि जो पानी हमारे लिए अमूल्य है और जिसका कोई विकल्प नहीं है, उस पानी को हम रिसाइकिल करके और पीने योग्य पानी को हम बचा सकें। इस प्रोजेक्ट को केवल 1 महीने के अंतराल में ही मैंने बताया कि लगाया गया है, जो कि बहुत कम समय में ये इंस्टॉल हो गया, फंक्शनल हो गया है। और हमारी सरकार की नीति भी है कि जितना भी लिक्विड वेस्ट है उसको रीट्रीट करके और फिर से उसको रीयूज करें, और जो गाड़ी को सफाई करने में है या उसको गार्डनिंग के लिए है या टॉयलेट्स में है या कोई और कहीं बिल्डिंग की सफाई के लिए है, तो इस तरह के कार्यों के लिए हम उस पानी को प्रयोग करें। और ये पानी की जो शुद्धता की मात्रा है वो भी बहुत, जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, उस पर ये खरी उतरती है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट ये हमारे पपिया पार्क में डाइकी एक्सिस जापानीज कंपनी ने जोकासू टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट की है उसके तहत लगाया, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैं अपने म्यूनसिपल काउंसिल फतेहाबाद के लोगों के लिए ये एक उपहार मानता हूँ और कंपनी वालों को भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत छोटे समय में इस प्रोजेक्ट को हमारे सामने बनाकर और फंक्शनल करके एक स्वप्न को साकार किया। सर, लोगों की डिमांड भी आई है इसमें लगाने के लिए? इसमें अभी लोगों ने इसको देखा है, लोग देख रहे हैं, और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का देहात में भी कार्यक्रम है। तो जैसे इसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के लिए भी हम आगे फिर एक बार इसको प्रैक्टिकल दिखा के, सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उसको हम विश्वास करते हैं, तो इसको सामने हम लोगों को दिखाएंगे। और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो निस्संदेह हम कोशिश करेंगे कि गाँव के अंदर भी, जो बड़े बड़े गाँव हैं वहाँ भी जो जोड़ में पानी आता है, गंदा पानी आता है, उसको ट्रीट करके और उसको रिसाइकिल करें, रीयूज करने के लायक बनाएं। इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाला रुपया जो गांव को हम देंगे या गांव में हम उसे प्लांट करेंगे, तो उसका कितना रहेगा सर, अमाउंट क्या रहेगा, कितना? ये जो प्रोजेक्ट आपने पपिया पार्क में लगा है इसमें हमारे पैसे खर्च नहीं हुए हैं, ये तो डाइकी एक्सिस कंपनी ने ही, जापानीज कंपनी ने ही अपने खर्चे पर लगाया है और सोलर पैनल्स भी उन्होंने अपने खर्चे पर ही लगाए। तो हमने तो केवल फाउंडेशन और जो उसकी इंस्टॉलेशन की मदद थी केवल वो की है। अब आगे इसको किस तरह से करेंगे वो सरकार के स्तर पे भी इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको टेकअप करेंगे, और किस तरह से फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इसके रिजल्ट्स को देखते हुए,
वो सरकार के साथ एक बार मंत्रणा भी करेंगे और उस स्तर पर एक वेबिनार को भी हम जल्दी ही ऑर्गेनाइज करेंगे।